बोलते हैं ना कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। बहुत सारे ऑपोजिशन ने बहुत सारी चीजें बोली कि मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी के मंत्रिमंडल ने क्या किया। एक बात उन पे बोलना चाहती हूँ, सच को सच करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक तो सच बोलने वाले की और दूसरा सच सुनने वाले की। तो मुझे नहीं लगता है सच सुनने वाले यहाँ पे ऑपोजिशन में कोई बचे हैं। सभी लोगों ने ऑपोजिशन ने कहा, महाराष्ट्र के मेरे कुछ कलीग ने अभी बात करते हुए कहा कि क्या किया टैक्स में, क्या किया जीएसटी में, क्या किया डॉलर्स में, क्या किया। अरे परसों ही 11 तारीख को मोदी जी ने विदर्भ, जो सबसे निग्लेक्टेड एरिया माना जाता था, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासन में, पिछले दिनों में 4 दिन पहले मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी वहां पे आके कई सौ करोड़ों का समृद्धि महामार्ग बाड़ा साहेब ठाकरे महामार्ग बनाने का उद्घाटन किया गया, एम्स का उद्घाटन किया, वंदे भारत का उद्घाटन किया, मेट्रो का उद्घाटन किया। ये ऑपोजिशन के लोग क्यों भूलते हैं कि अच्छी चीजों को भी ये सभागृह को अवगत कराना चाहिए कि ये राज्य में किस तरीके से सरकार काम कर रही है। पर वो सब चीजें ना बात करते हुए ऑपोजिशन करना है। बोलते हैं ना कई लोग मार्केट में जाते हैं अमरूद खरीदने के लिए तो पूछते हैं भैया मीठा है ना, और घर पे लाने के बाद उसमें नमक छिड़क के खाते हैं। वो हालत हो गई हमारी ऑपोजिशन की, आज वो परिस्थिति में वो खड़े हैं, मीठा पूछने के बाद नमक लगा के खाते हैं। इतना ही बोलना है बस। आई जस्ट टेल जस्ट एक लाइन, फाइनेंस मिनिस्टर को हमारे हो स्टेट के भी मिनिस्टर और हमारी मैडम, मैडम आप जिस तरीके से काम कर रही हैं हम लोगों को प्रेरणा देने वाली काम कर रहे हैं। ये सभागृह को, हर एमपी को एक ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। जो भी फाइनेंस आप लेके आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जादायक रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।